गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा, आज आप लोगों को लेसन सेवन स्टडी करना है। आई थिंक आई एम राइट, क्योंकि आप लोग लेसन सिक्स तक डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। अब लेसन सेवन पे आओ। आप देखिए, ये जो चैप्टर है आपका अबाउट प्लांट्स है, प्लांट्स के बारे में, ठीक। चारों तरफ अपने प्लांट्स देखते हो, हर जगह प्लांट्स हैं। अक्वेटिक प्लांट्स भी हैं वाटर में, टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं लैंड पर, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं डेजर्ट में, हर जगह प्लांट्स। और इन्होंने हालां कुछ दिया है कितनी वेराइटीज है प्लांट्स की, लेकिन एक बिल्कुल एक्यूरेटी डाटा नहीं है, इससे ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा। तो अब समस्या है कि प्लांट्स की यदि हमें स्टडी करनी है तो कैसे करें। अब सिंगल सिंगल प्लांट लेके तो सब सबकी स्टडी हो नहीं पाएगी, तो फिर वही बात, क्लासिफिकेशन जरूरी है कि एक जैसे प्लांट्स को एक ग्रुप में रखा जाए। तो क्लासिफिकेशन भी कई तरीके से होता है, जैसे एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे और बिना फूल वाले। और एक तरीका है कि स्टेम के अकॉर्डिंग, काइंड ऑफ स्टेम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, तो थोड़ा इसी पर फोकस किया गया है आपके चैप्टर में, एक काइंड ऑफ स्टेम के अकॉर्डिंग कितने तरह के प्लांट्स हों, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में भी बेटा स्टडी किया है, हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज। अब हर्ब का जो स्टेम होता है सॉफ्ट होता है, ग्रीन स्टेम होता है, छोटा होगा, ठीक है। ये प्लांट्स जो होते हैं सॉफ्ट स्टेम वाले, ग्रीन स्टेम वाले, ये जो प्लांट्स हैं हर्ब्स जो हैं, वो या तो एनुअल या बाइनियल होते हैं, यानी या तो ये प्लांट एक साल तक रहेगा या दो साल तक, ठीक है। तो एक साल वाला तो बहुत आप जान रहे हो, जैसे ये राइस है, वीट है, ये सब हर्ब्स हैं। अब बाइनियल में आप ले सकते हो रेडिश है, बीटरूट है, सब बाइनियल है, दो साल वाला प्लांट है। अब श्रब्स पे आइए, ये थोड़ा हर्ब से बड़ा होगा, ठीक है, मीडियम साइज का, साइज इसकी 1 से 3 मीटर तक हो सकती है। और इसमें देखिए, हर्ब्स में तो ये था कि ब्रांचेस हो भी सकती नहीं भी, लेकिन श्रब्स में ब्रांचेस जरूर होंगी। और जैसे ही प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो जाएंगी, इसीलिए बुशी लुक होता है इसका, झाड़ी की तरह का लुक होता है। एग्जाम्पल है रोज, लेमन, कॉटन, ये सब श्रब्स। ट्रीज जो हैं इनका स्टेम लंबा होगा, हार्ड होगा, ब्राउन कलर का होता है, जिसको आप बार्क भी कहते हो, ठीक है। अब इसका तो एग्जाम्पल बहुत है आपके पास, मैंगो है, नीम है, पीपल है, तमाम जो इस तरह के बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक। ये तो स्टेम के टाइप के बेसिस पर 3 मेन काइंड्स हुए, और भी काइंड है जैसे क्रीपर और क्लाइंबर। क्रीपर क्लाइंबर दोनों का स्टेम वीक होता है, लेकिन क्रीपर जो है वो जमीन पर ही रेंग के चलता है, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब है। और क्लाइंबर जो है इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि जो किसी बेस को पकड़ लेगा, ठीक है, टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं, बेस को पकड़ करके या उसके चारों तरफ लिपट करके, सपोर्ट जहां भी पाएगा सपोर्ट पर लिपट जाएगा, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सपोर्ट को ऐसे पकड़ लेगा और उसी के सहारे उस सपोर्ट पर ये ऊपर चढ़ेगा, इसीलिए मतलब क्लाइंब करता है इसलिए क्लाइंबर है, ये क्रीप करता है इसलिए क्रीपर है, पंपकिन वगैरह, ठीक है। अब आइए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक जनरल कोई भी प्लांट आप देखिए, मस्टर्ड प्लांट है, वीट प्लांट है, या बड़े प्लांट में भी मैंगो प्लांट, मैंगो ट्री है, कुछ भी है, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट अंडर द ग्राउंड, एक पार्ट अबव द ग्राउंड। जो पार्ट अंडर द ग्राउंड होता है वो रूट सिस्टम है,
और जो पार्ट, हाँ तो बेटा देखिए प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, तो कोई भी प्लांट आप देख लीजिए, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी, छोटे में जैसे मान लीजिए मस्टर्ड प्लांट है, बड़े में मैंगो ट्री है, कोई भी प्लांट है, उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे, वो रूट सिस्टम है, और दूसरा अबव द ग्राउंड, ठीक है, यानी जमीन के ऊपर, वो शूट सिस्टम है, ठीक है। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये तो दो मेन पार्ट्स हो गए। अब चलिए पहले स्टडी करते हैं रूट सिस्टम के बारे में, ठीक है। रूट सिस्टम में मेनली क्या है, रूट्स हैं, जड़ें जिसको आप कहते हैं, रूट्स हैं जो जमीन के नीचे की ओर बढ़ती हैं, यानी जिधर लाइट रहेगा उसके अपोजिट जाएंगी, ग्रेविटी की ओर, जमीन की ओर, धरती की ओर जाएंगी, और इनको मॉइस्चर भी चाहिए, इनकी ग्रोथ उधर ही की साइड में होगी जिधर इनको मॉइस्चर मिट्टी में मिलेगा, ठीक है। ये रूट्स भी मेनली टू टाइप्स की होती हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट में क्या होता है कि देखिए एक मेन रूट होती है, ठीक, और इसमें से फिर ब्रांचेस निकली होती हैं, लेकिन मेन रूट थोड़ी मोटी होती है, फिर ये पतली पतली ब्रांचेस निकली होती है, ब्रांचेस में से भी ब्रांचेस निकल सकते हैं, तो ये मेन वाली प्राइमरी रूट है, ठीक है, और इससे जो ब्रांचेस निकली होंगी वो सेकेंडरी रूट्स होंगी, और हर रूट मतलब चाहे सेकेंडरी रूट्स जो है या टर्शरी रूट्स हैं, जिसको रूटलेट्स भी हम लोग बोल रहे हैं, तो मेन रूट या रूटलेट्स के एंड में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि रूट हेयर होते हैं, ठीक है, और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं, रोज है, दिया है इन्होंने, पी है, डेलिया है, रेडिश, टर्निप, सब टैप रूट पाए जाते हैं। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि कोई भी मेन रूट नहीं होती है, ठीक है, मेन रूट कोई नहीं होगी, और ग्राउंड के नीचे पूरे से गुच्छे टाइप का, बंच टाइप का रहता है रूट्स का जो फैला रहता है, और सभी रूट्स ऑलमोस्ट साइज में इक्वल होती हैं, उनकी थिकनेस लगभग इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली कहाँ होता है, तो मोनोकॉट में होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मोनोकॉट डाइकॉट छोटे में समझा देते हैं। जैसे देखिए चना है, चने को आप भिगो दीजिए, उसको तोड़िए, दो दालें दिखाई देंगी ना उसमें, तो इस तरह का सीड जहाँ पाया जाता है वो डाइकॉट प्लांट होता है। तो डाइकॉट प्लांट में टैप रूट पाया जाता है, और जैसे गेहूं है, चावल है, इसमें दो दालें, दो दाना नहीं मिलता ना बराबर, तो ये मोनोकॉट प्लांट्स हैं, तो मोनोकॉट प्लांट्स में फाइब्रस रूट पाया जाता है। इसे देखिए ग्रास है, मेज है, वीट, राइस, इसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। अब देखिए रूट्स की कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं कुछ विशेष काम करने के लिए, और जो जनरल फंक्शन है वो तो है ही कि ये रूट जो है वो पौधे को, प्लांट को फर्मली अटैच रखता है सॉइल से, खड़ा रखता है, जमीन पर गिरने नहीं देता, और मिट्टी को इस तरह से बाइंड रखता है कि सॉइल इरोजन को भी रोकता है, यानी मिट्टी बहने से, झड़ने से रोकता है। इसके बाद हमने कहा कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, उसमें क्या है कि जैसे रूट्स अपने में फूड स्टोर का काम भी करते हैं, जैसे कैरेट है, रेडिश है, सब फूड स्टोर करने के कारण फूल जाते हैं। कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं, देखिए जैसे कि बनियान ट्री में आपने देखा होगा कि ऊपर से जड़ें नीचे लटकती हैं बनियान ट्री में, और वो नीचे लटकते लटकते जमीन में चली जाएंगी। क्यों जाएंगी? कि पुराना बनियान ट्री हो जाएगा, उसको बनियान ट्री को सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो ऊपर से रूट निकल के नीचे जमीन में जाती हैं। उन रूट्स को प्रॉप रूट्स कहते हैं। कुछ पौधों में रेस्पिरेटरी रूट्स, हाँ देखिए यहाँ पे बना है फोटो आई, नहीं नहीं, रेस्पिरेटरी रूट्स भी पाई जाती हैं कुछ प्लांट्स में, जो प्लांट दलदल वगैरह में उगते हैं,
तो दलदल में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है मार्शी प्लेसेस में, तो कुछ रूट्स निकल के ऊपर एयर में आ जाते हैं ताकि उनको एयर प्रॉपर मिल सके। इसके बाद देखिए क्लाइंबिंग रूट्स जैसे कि पान में, बिटल कहते हैं इंग्लिश में, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे स्टेम से ही रूट जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा और वो किसी भी सपोर्ट को पकड़ लेगा, ठीक है, पकड़ करके फिर ऊपर चढ़ेगा, नहीं सपोर्ट ले लेगा उसके थ्रू, रूट के थ्रू, और फिर ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अब है शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम के बारे में बेटा स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड होगा, ठीक है, जमीन के ऊपर का हिस्सा। तो जमीन के ऊपर के हिस्से का जो मेन पार्ट होता है वो तो स्टेम होता है, फिर उस स्टेम पे ब्रांचेस होंगी, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब लगे होंगे। देखो जो स्टेम होता है ना, किसी भी छोटे प्लांट को भी तुम देख लो, छोटे प्लांट को लेके नजदीक से देखो, बीच बीच में कहीं कहीं तुम्हें थोड़ा गांठ की तरह का दिखाई देता है, वहीं से लीव्स निकलेगी, ठीक। और लीफ और मेन स्टेम, देखिए ये लीफ है, लीफ का डंठल है, देख रहे हो ना, जिसको तुम पेटियोल भी बोलते हो। तो इस पेटियोल और ये जो मेन स्टेम है इसके बीच जो ये एंगल है, ठीक है, इस एंगल को एक्सल कहते हैं, और इसी में से न्यू ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है जहां से कि ये लीफ निकली हुई है, मैंने कहा गांठ की तरह का दिखाई देगा, इंग्लिश में भी इसको नोड ही कहते हैं, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये इंटर नोड कहलाता है, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आया कि स्टेम जो है वो मेन पार्ट है शूट का, और फिर उस स्टेम पर तमाम चीजें होती हैं, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ब्रांचेस, ये सब होगा। और ब्रांचेस कहाँ से अराइज होंगी, जो लीफ का पेटियोल है और जो मेन स्टेम है इसके बीच जो एंगल बनता है, इसी में बड होता है, एक्सिलरी बड कहते हैं इसको, इसी से ब्रांचेस ग्रो करेंगी, ठीक है। और जो प्लांट का सबसे ऊपर का टिप होता है, ठीक है, एकदम टिप जो है, जैसे कि मान लीजिए ये टिप है, तो इस टिप को कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। एपिकल बड वहां पे होगी, उसी के थ्रू जो है ये लंबाई में बढ़ेगा। मेरिस्टम वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टमेटिक होती हैं, यानी कि उनमें हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है, इसी के कारण स्टेम की लेंथ ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो वो एपिकल बड्स हैं जो टिप पे होती हैं। अब है देखिए इसका फंक्शन जो है शूट सिस्टम का मेन, तो देखिए एक तो ये भी है कि ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, इन सबको ये सपोर्ट देता है, ठीक है, लीव्स वगैरह को एक्सपोज रखता है सनलाइट में, एयर में। इससे आपको पता है कि लीव्स का जो फंक्शन है उसके लिए जरूरी भी है कि उसको सनलाइट एयर प्रॉपर मिले, तो इस तरह से स्टेम होल्ड करता है उसको कि उसको प्रॉपर एयर और प्रॉपर सनलाइट ये सब मिले, ठीक है। इसके बाद देखिए कि कुछ तो मान लो जनरल फंक्शन हो गया, कुछ मेन फंक्शन इसका भी होता है, जैसे कि फूड स्टोरेज। और एक सेकंड, ये भी है बेटा, देखिए मेन फंक्शन में सपोर्ट तो दे ही रहा है ये बाकी चीजों को, एक और मेन फंक्शन है जो ये क्या कहते हैं रूट ने जो वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्ब किया है वो रूट दे देगा स्टेम को, और स्टेम फिर उसको सारी जगह प्रोवाइड करा देगा, सारे पार्ट्स को प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो ये चीज हुई। और इसके बाद देखिए मैंने कहा कि कुछ स्पेशल फंक्शन भी होता है, जैसे कि फूड स्टोरेज। तो आप ये जिंजर देख रहे हैं, पोटैटो जो आप आलू खाते हैं एक्चुअली वो स्टेम होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑनियन में जो स्टेम है तो छोटा सा पार्ट है स्टेम, इससे रूट नीचे निकला हुआ है,
और ये एक्चुअली लीव्स होती हैं जो कि फूड स्टोरेज के कारण मोटी होती हैं। स्टेम यहाँ पे छोटा सा होता है इसमें। इसके अलावा कभी कभी स्टेम जो है वो थ्रेड का शेप ले लेता है, स्टेम टेंट्रल बनाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो होल्ड करेगा, उसका सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ेगा प्लांट। फिर जो कैक्टस आपने देखा है, कैक्टस में आप देखते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, कैक्टस में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, फिर इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये स्टेम है, ठीक है, ये फ्लैशी होता है ये स्टेम, और स्टेम के ऊपर ये लीव्स जो है वो थॉर्न के शेप में हो जाती हैं, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, पानी की लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। और स्टेम जो है वो क्यों फ्लैशी हो जाता है, ग्रीन हो जाता है इस तरीके से, क्यों? क्योंकि अब लीफ जब थॉर्न के शेप में आ गया तो लीफ का काम कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा प्लांट्स के लिए, तो इसके लिए कैक्टस जो है वो, कैक्टस में जो स्टेम है वो फ्लैशी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से तमाम काम है बेटा, फिर भी थोड़े में आप लोग को बताया जा रहा है। अब लीफ के बारे में देखिए, लीफ आप देखे हैं, मान लीजिए पीपल की लीफ ले ली गई, कोई भी लीफ लीजिए, ये जो चौड़ा हिस्सा है बिल्कुल ब्रॉड, ये लेमिना या ब्लेड कहलाता है, ठीक। जो डंठल देख रहे हैं जिससे कि अटैच है स्टेम से, ये डंठल पिट्यूल कहलाता है। ये डंठल कंटिन्यू हुआ है लीफ के अंदर, ये मिड रिब है, ठीक है, मिड रिब से ब्रांचेस निकलती हैं, वेन्स कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये जो नुकीला सिरा होता है इसको आप टिप कह सकते हैं, इसमें जो वेन्स होती हैं, जैसे मैंने कहा कि ये मिडरिब है और मिडरिब में से फिर और वेन्स निकलती हैं, इनका अरेंजमेंट टू टाइप्स से हो सकता है। फर्स्ट अरेंजमेंट है पैरेलल वेनेशन, सेकंड अरेंजमेंट है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, देखिए ये मिडरिब है, मिडरिब से जो ब्रांचेस निकली हैं वेन की एक दूसरे के पैरेलल है, देख रहे हैं, ये पैरेलल वेनेशन हो गया। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है, जैसे नेट टाइप का, जाल टाइप का है, एकदम ऐसा नहीं है कि वेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, वेन्स में इस तरह की ब्रांचिंग हुई है मिड रिब से, इस तरह से ब्रांचिंग हुई है, इसे जाली की तरह, नेट की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। अब आप आइए फंक्शन ऑफ लीव्स पर, तो बेटा मेन फंक्शन तो इसका फोटोसिंथेसिस, पढ़े हुए हो आपको पता है, लीफ में ज्यादा करके लोअर साइड में, कभी कभी अपर साइड में भी होता है, लोअर साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का फायदा ये है कि एयर से लीव्स जो हैं एयर से गैस का एक्सचेंज कर लेते हैं, CO2 और O2 का। जैसे सुबह के टाइम जब धूप है तो फूड प्रिपरेशन करना है लीफ को, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो लीफ ने क्या किया, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सॉयल से जो एब्जॉर्ब वाटर है वाटर ले ली, रूट से ले लिया इसको, सनलाइट लिया, लीफ में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने सनलाइट को अपने में ले लिया, ग्रेसिप कर लिए, ट्रैप कर लिए, ठीक। फिर इन तीनों की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला, यही ग्लूकोज भोजन है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होकर बाहर निकल जाएगी स्टोमेटा से, ये ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जो प्लांट के यूज में आएगा आएगा, नहीं तो स्टोर रहेगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस, अब दूसरा मेन फंक्शन ट्रांसपिरेशन, ये क्या है, तो जो एक्सेस वाटर है प्लांट का, ठीक है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से निकलता रहता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके भी फायदे हैं, पहली बात तो ट्रांसपिरेशन जब होता है यानी वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जब निकलता रहता है लीव से, तो प्लांट की ऑटोमेटिक कूलिंग होती रहती है, प्लांट की गर्मी बाहर निकलती रहती है, यानी प्लांट के झुलसने का
गर्मी से तप के झुलसने का डर कम होता है। दूसरी बात, ऊपर की तरफ एक पुल या खिंचाव बना रहता है जिसके कारण रूट से पानी बराबर स्टेम की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, ये मेन फंक्शंस लीव्स के हुए। अब लीव्स भी मॉडिफाई होती हैं मेन फंक्शन के लिए। जैसे कुछ लीव्स जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं कि किसी सपोर्ट को पकड़ के ऊपर क्लाइम कर जाएंगी, चढ़ जाएंगी, जैसे पी में। अब कुछ में जैसे कैक्टस में मैंने भी बताया कि लीव्स जो हैं वो कांटे के रूप में हो जाती है, स्पाइंस के रूप में। क्यों? पानी के लॉस को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि कैक्टस ऐसी जगह पे होता है, डेजर्ट में होता है, जहां पानी की कमी होती है। तो जब बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी निकल जाएगा तो पौधे के सूखने का डर हो जाएगा। इसलिए जो डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स हैं उनमें लीव्स या तो बहुत छोटी होती हैं या कांटे के शेप में हो जाती हैं, ताकि न मतलब ना स्ट्रोमेटा रहेगा ना उससे वाटर लॉस होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ लीव्स जो हैं, देखिए आप पढ़े भी होंगे, देखिए लीव्स ने क्या स्ट्रक्चर बनाया है, घड़े की तरह का। देखो क्यों घड़े की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्ट आके इसमें गिर जाता है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। इंसेक्ट आके इसमें गिर जाएगा और इंसेक्ट को ये तब तक बंद रखेगा ये घड़ा अपने अंदर जब तक कि उसका पूरा प्रोटीन ये ले नहीं लेगा प्लांट, जिसको चूसना कहते हैं, चूस लेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा कि खुल जाएगा ढक्कन और वो जो कीड़ा है वो गिर जाएगा। यानी कीड़े को इंसेक्ट को पकड़ने के लिए ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जो लीफ का मॉडिफिकेशन है। इसमें इंसेक्ट आया, गिर गया और ये बंद हो गया, ऊपर से दरवाजा की तरह का रहेगा। और जब इंसेक्ट मर जाएगा उसका पूरा जो है नाइट्रोजन फ्लावर को मिल जाएगा प्लांट को, उसके बाद फिर से ये वापस गिरा देगा उसको, इंसेक्ट को। अब ये फ्लावर है, फ्लावर तो बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, इसी से सीड बनता है, फिर सीड से न्यू प्लांट बनता है। तो यदि आप देखें फ्लावर का स्ट्रक्चर, यहाँ पर फ्लावर देखिए इस स्ट्रक्चर से लगा होता है प्लांट से, जिसको डंठल आप हिंदी में कहते हो, पेडिसल इंग्लिश में कहते हैं पेडिसल। पेडिसल ऊपर थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इसको थैलमस कहते हैं। इसी थैलमस पर फूल के सारे प्लांट लगे होते हैं। सबसे बाहर की तरफ रंगीन पंखुड़ियों का घेरा होता है जो पेटल्स होता है, सॉरी सबसे बाहर ग्रीन पंखुड़ियों का, ग्रीन लीव्स, छोटी छोटी ग्रीन लीव्स का घेरा होता है जो सेपल्स होता है। सेपल्स के अंदर पेटल्स होता है, रंगीन पंखुड़ियों का घेरा। उसके भीतर स्टेमन देखिए ये होता है, देख रहे हैं ये स्टेमन है। स्टेमन में ये जो लंबी रचना देख रहे हैं, लंबा स्ट्रक्चर, ये आपका कहलाता है फिलामेंट। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एंथर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये आपका वो है कार्पेल है, पिस्टिल या कार्पेल कह सकते हैं। इसके थ्री पार्ट्स में क्या है, सबसे ऊपरी ये थोड़ा सा फ्लैट पार्ट स्टिग्मा है, सबसे नीचे फूला हुआ पार्ट ओवरी है, ओवरी और स्टिग्मा को मिलाने वाला पार्ट जो है वो स्टाइल है, और ओवरी के अंदर बहुत छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं दाने की तरह का, उसको ओव्यूल कहते हैं। वही ओव्यूल आगे चल करके सीड बनाता है, बीज, और ये ओवरी जो है वो आगे चल करके फ्रूट बनाता है। ठीक है बेटा, ये मेन बातें थी। अब पॉलिनेशन देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। अभी अभी जो ये एंथर आपको मैंने बताया था ना, एंथर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बिल्कुल एकदम धूल की तरह। ठीक है, उन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे पहुंचना जरूरी होता है फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन का स्टिग्मा तक पहुंचना ये पॉलिनेशन कहलाता है। ये कैसे पहुंचता है, मान लीजिए कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठा, उसके पंख में पॉलन लग गया, फिर इंसेक्ट इस पे आके बैठ गया तो वो पॉलन जो है या पॉलन ग्रेन इस पे झड़ गया,
तो पॉलन यहाँ से यहाँ पहुंच गया। इसी तरह से एक ही स्पीशीज के एक प्लांट के उससे क्या बोलते हैं एंथर से दूसरे प्लांट के फूल में स्टिग्मा तक ही पहुंचता रहता है। मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना है, या तो उसी प्लांट या तो उसी फूल में पहुंचे, या उसी प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल में, या उसी स्पीशीज का दो अलग अलग प्लांट है उसमें वो एक स्टिग्मा से दूसरे प्लांट के फूल के सॉरी स्टिग्मा मैंने इसको शायद बोल दिया एंथर है ये, मतलब एंथर से एक प्लांट में ये है फूल और दूसरे प्लांट में इसी स्पीशीज का दूसरा प्लांट है उसमें भी फूल लगा है, तो इस फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, लेकिन एक ही स्पीशीज का प्लांट होना चाहिए, तब उसके बाद रिप्रोडक्शन की का प्रोसेस शुरू होता है। और वो मैंने बता ही दिया कि सीड किस चीज से बनता है और फ्रूट किस चीज से बनता है, लेकिन आफ्टर पॉलिनेशन ही वो सब बनता है। ठीक है बेटा, अब होमवर्क आप इसमें प्लीज दीजिए, बता तो दिया हमने सब, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए होमवर्क में आप ऐसा करिएगा, एक्सरसाइज बी जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन केवल मैं दे रही हूं आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आप लर्न और राइट करिएगा, यही आपका होमवर्क है। लर्न जरूर करिएगा, हम लोग ओरल टेस्ट भी लेंगे 6 मंथली एग्जाम में देखने के लिए कि आपने लर्न किया है कि नहीं किया है। तो लर्न एंड राइट आपको करना है डी का ऑल दी 5 क्वेश्चंस। ओके बेटा, थैंक यू।